अगेन वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है? चलो लिखो एमसीक्यू. द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. द फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन इट इज ऑप्शंस आर π/4, π/2, -π/6 एंड पाई. दीज आर द ऑप्शन. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? चलो बताओ, सोच सकते हो? विदिशा, फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? हाउ मच फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बताओ. विदिशा, एनी गैसेस? मैम π/2. π/2 कैसे? हाउ π/2? मैम जो वो e को हम -d φ/dt लिख के तो उससे b मतलब -baw और -e sin w theta. w नहीं है, वो ओमेगा है. हाँ, ये देखो, फ्लक्स होती है बी डॉट ए, ठीक कह रहे हो आप. दैट इज बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ये हो गया आपका फ्लक्स. ई होती है -d φ/dt, तो माइनस बी ए बाहर ले लो, d/dt ऑफ कॉस ओमेगा टी. अब माइनस बी ए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. माइनस माइनस प्लस हो गया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा. मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ में साइन है और फ्लक्स में कॉज है. साइन एंड कॉज को आप 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. सो योर आंसर इज येस π/2, बट द रीजन इज दिस. साइन और कॉज में आपको पता है 90 डिग्री का ही डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस. तो इसका मतलब इन दोनों में भी इतना ही फेज डिफरेंस है, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय 5t³ - 50t + 200 वेबर. वेबर इसका यूनिट होता है ना, +200 वेबर. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट t = 2 seconds. 2 seconds पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है ये आपको बताना. अगेन द सेम फॉर्मूला विल बी यूज्ड, ई इज इक्वल टू -d φ/dt, ठीक है? चलो फिर टी को 2 सेकंड पुट कर देना, करो सॉल्व, बताओ क्या आंसर आएगा. यू विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. φ³ - 50t + 200 वेबर, इसका ऐसा यूनिटी है. विदिशा, इसका सीजीएस यूनिट क्या है? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स? एसआई यूनिट है वेबर. सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल. मैक्सवेल इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर एंड मैक्सवेल, ठीक है? चलो इसको सॉल्व करिए, डिफ्रेंशिएट करो. -15
टी स्क्वायर प्लस 50 ये आ जाएगी. नाउ पुट टी इक्वल टू 2 seconds. और यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? वोल्ट. तो आपका आंसर आ गया 10 वोल्ट रादर, क्योंकि ये आपने उसका मैग्नीट्यूड बताना है ना, तो बाद में उसका मैग्नीट्यूड बता दो 10 वोल्ट. स्पेशली क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसमें फिर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे. कोई डाउट इसमें? लेंज़ लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश मोमेंटम मास चार्ज एनर्जी. क्या आएगा मैम क्वेश्चन बोलना तुम्हारा? Lenz's law is consequence of the law of conservation of momentum, mass, charge, energy. ये तो हमने क्वेश्चन पूरा डिराइव किया हुआ है, ये तो हम डिराइव कर चुके हैं. He show that energy. हाँ ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है. Show that Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखो. अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड. सिमर आया था उसने लेफ्ट कर दिया. हाँ आई नो. अभी मैंने देखो अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम. अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम. ठीक है. व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी, द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी ए पार्ट फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज. कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ये बतानी है. फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, बी पार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी पार्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डी पार्ट फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज. चलो बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. हाँ जी बोलो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें. वही लेंजेस लॉ ही लगेगा. एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज नहीं वो चेंज क्यों होगी. इसी लूप में ही देखना है ना हमने, इसी लूप में ही देखना है. जब नॉर्थ पास में आ रहा है तो नॉर्थ जनरेट होगा. नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. आप क्या कह रहे हो जब ये लीव करेगा साउथ लीव करेगा ना, तो साउथ लीव करेगा फिर से नॉर्थ ही प्रोड्यूस होगा, तो इट विल ऑलवेज बी एंटी क्लॉकवाइज, चेंज नहीं होगी. ठीक है ना. जब ये बाहर भी चला जाएगा साउथ जा रहा है तो नॉर्थ उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा उसको अपोज करने के लिए. ठीक है. तो जब नॉर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ अगेन मींस एंटी क्लॉकवाइज. सो इट इज ऑप्शन सी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट इज ऑप्शन सी ओनली इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है आगे नेक्स्ट लिखो. द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम टी, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम टी इन अ कॉइल इफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग इट्स एक्सिस, इन अ कॉइल इफ अ शॉर्ट If a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity,
with its along its axis with constant velocity is best represented as एक मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो डिफरेंट ग्राफ्स हैव बीन गिवन यू हैव टू टेल व्हिच ग्राफ इज करेक्ट आउट ऑफ द फोर इंड्यूस्ड ईएमएफ विद टाइम ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम चलो बताओ कौन सा ग्राफ करेक्ट है विच ग्राफ इज करेक्ट यस विच ग्राफ इज करेक्ट हियर मैम ऑप्शन बी वाला ऑप्शन बी यस क्योंकि देखो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगी डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज करेगी ये तो पता ही है तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते बाकी जो मर्जी हो डायरेक्शन उसको भी छोड़ो पर पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए सो इसका मतलब योर ग्राफ बी इज करेक्ट सेकंड ग्राफ इज करेक्ट यस राइट आंसर ठीक है तो रीजन लिख लेना इसका नेक्स्ट है अ कंडक्टिंग स्क्वेयर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये सिचुएशन दी हुई है देयर इज अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल एंड रेजिस्टेंस आर मूव्स आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी द इंड्यूस करंट इन द लूप इज ऑप्शंस आर जीरो बी स्क्वायर बी आर वी बी VL over R and BVL. कौन सी ऑप्शन करेक्ट है Yes, which option is correct? यशिका आप बताओ Which option is correct? चलो इसकी हमने डेरिवेशन की हुई है आंसर बताओ इसका क्या आएगा मैम जीरो नो नॉट जीरो जीरो नहीं आएगा चलो बताओ मैम क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग आउट ऑफ अ फील्ड ठीक है एज शोन व्हाट इज द इंड्यूस करंट एडी करंट सेटअप इन द लूप ड्यू टू द मूवमेंट आपको पता है ये कौन से वाला कॉन्सेप्ट है मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है ठीक है दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ चलिए इसका आंसर बताइए गर्ल्स क्या आएगा इसका आंसर एडी करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशनल ईएमएफ सेटअप इन द सर्किट मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है बीएलवी तो करंट फ्लोइंग इन द लूप क्या होगा आई इज इक्वल टू ई ओवर आर सो दैट विल बी बीएलवी ओवर आर सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट दिस इज वेरी सिंपल चलिए लेट अस डू अ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन और फटाफट बोलो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस कौन बताएगा
What is the unit of inductance? Yes. What is the unit of inductance, students? Inductance. L उसका सिंबल है या M उसका सिंबल है? Henry, ma'am. Henry, yes. What is the unit of capacitance, Yashika? Capacitance का unit क्या है? Yashika, what is the unit of capacitance? L, C and R, three main components are there na? Farad. Farad, farad is the unit. और रेजिस्टेंस का तो ओम है, वो तो आपको पता ही है. चलो एक केस स्टडी करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पे. म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल. अमाउंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट लिंक्स वन कॉइल टू द अदर डिपेंड्स वेरी मच ऑन द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ the two coils, their geometry and relative separation between them. Mutual inductance between two coils increases mu times if the coils are wound over an iron core of relative permeability mu. Read the above passage and give the answer to the following questions. First question hai, a short solenoid of radius A, number of turns per unit length N1 and length capital L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B, number of turns per unit length N2. What is the mutual inductance of the system? What is the mutual inductance of the system? हमने ये formula derive किया था reciprocity theorem का. Mankirat, do you remember? What is the formula for mutual inductance between two coils according to reciprocity theorem? बताओ. Mam, we wrote N1 and 2 pi R square. Mu naught N1 N2 pi R square L. Yes, mu naught N1 N2 A into L. यही था. Mutual inductance mu naught N1 N2 A into L. A था कि A square था? और b आएगा कि b स्क्वायर आएगा? बताओ. रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. हाँ ठीक है, हमने ऐसे ही किया था. a ही आएगा. a आएगा कॉइल का एरिया कि b आएगा? हियर टू एरियाज आर गिवन. स्मॉल a आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल आएगा जो दूसरे को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है. सेकेंड है, if a change in current of 0.01 ampere in one coil produces a change in magnetic flux of 0.02 weber in another coil, then mutual inductance between the coils is how much? Options are 0.5 henry, 2 henry, 3 henry. Chalo note karo, change in current is 0.01 ampere and change in flux is 0.02 weber. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? चेंज इन फ्लक्स एंड चेंज इन करंट. आपको ये याद है फाइ इज इक्वल टू एम आई, सो डी फाइ इज इक्वल टू एम डी आई विल बी यूज सिंपली. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी हुई है. यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछी हुई है. तो यहां से आ जाएगा डी फाइव बाय डी एल. सॉल्व दिस. सो योर आंसर इज 2 हेनरी. आंसर इज 2 हेनरी. थर्ड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय. ठीक है, ऑप्शंस आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल्स, वाइंडिंग द कॉइल्स ऑन वुडन कोर्स, नन ऑफ द अबव. बताओ क्या आएगी ऑप्शन? क्या ऑप्शन आएगी? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल.
हाँ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, दिस इज बी पार्ट, क्योंकि आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्थ है इसका, व्हेन अ शीट ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कोएक्सियल कॉइल, टू कोएक्सियल, कोएक्सियल क्या होते हैं, वाउंड ओवर वन अनदर, जिनकी एक्सिस सेम है, ठीक है। तो अगर अब उस पार्ट में आयरन शीट इंसर्ट कर दी जाए इन बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल्स, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम और कांट बी प्रिडिक्टेड, व्हाट विल बी द आंसर देन? अगर आयरन शीट प्लेस कर दें बिटवीन द टू कॉइल्स, विल द म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? Will it remain the same or not? Yes, it will increase. क्योंकि आपने देखा है कि आयरन की परमेबिलिटी हाई होती है, तो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, आपकी परमेबिलिटी और मीडियम आएगी म्यू, म्यू इज म्यू नॉट म्यू आर, तो वो म्यू आर परमेबिलिटी ऑफ आयरन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आयरन हैज वेरी हाई परमेबिलिटी ऑफ अबाउट 1000. तो 1000 के फैक्टर से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज सो मच, तो इट विल इंक्रीज। समझ लगा ये? कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो। ओके, इंडक्टेंस इन अ कॉइल, ये अलग है वैसे, दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन है, वो सेल्फ इंडक्टेंस का पैसेज दिया हुआ है। इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज ए ऑप्शन इनर्शिया इन मैकेनिक्स, एनर्जी इन मैकेनिक्स, मोमेंटम इन मैकेनिक्स, फोर्स इन मैकेनिक्स। चलो बताओ, इंडक्टेंस इन अ कॉइल प्लेज द सेम रोल एज इनर्शिया, एनर्जी, मोमेंटम और फोर्स इन मैकेनिक्स, किसका रोल प्ले करता है? इनर्शिया। इनर्शिया का, वेरी गुड, क्योंकि इनर्शिया क्या था कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, वैसे ही इनर्शिया यहाँ पे है कि जब तक करंट चेंज नहीं होगा इंड्यूस या प्रोड्यूस नहीं होगी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड यू कैन से इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नोट कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, यू कम टू नो न्यू थिंग्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन, यू लर्न समथिंग।